आप सभी ने कभी न कभी यह तो महसूस किया होगा, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे अधिक परेशान रहते हैं, वही जो लोग बुरे कर्म करते हैं वे लोग खुशी से रहते हैं। और अच्छे कर्म करने वाले आखिर इतने परेशान क्यों होते हैं, उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि अधर्म की राह पर चलने वाला खुश है और अपने जिंदगी का लुत्फ उठा रहा है। अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है तो हम आपको इसका जवाब देने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और यह वह जवाब है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, और यह बात गीता में लिखी गई है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई भी दुविधा आती तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहने लगे कि वे दुविधा में है और इसका जवाब श्री कृष्ण से चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि पूछो क्या सवाल है। फिर अर्जुन ने कहा मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ में हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वही बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई को समझ नहीं पाते हैं। अर्जुन उनकी ये बात को समझ नहीं पाया। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा आइए जानते हैं। प्रकृत हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है, अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की महत्व बहुत थी, वह पूजा पाठ में यकीन रखता था, वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था, हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था, वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर जूते चप्पल चुराने के लिए, उसे दान धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी, इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात दूसरे व्यक्ति को पता चल जाती है तो उसने कहा यही सही मौका है मंदिर का धन चुराने के लिए। पंडित की नजर से बचकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म पर विश्वास करने वाला व्यक्ति मंदिर में पहुंच गया। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्रित हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरीके से वह बचते बचाते वहाँ से बाहर निकल गया तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। वह फिर व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर का सारा धन चुराया था। उसने कहा आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीर को निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचते हैं और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों। इस पर यमराज ने कहा पुत्र तुम गलत समझ रहे हो, जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई और तुम इस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग में राजयोग लिखा था मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से बस वह एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं पार्थ क्या तुम्हें अब तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया है। ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं यह बिल्कुल सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहे हैं मनुष्य समझ नहीं पाता। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी, इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किए गए कर्म बेकार नहीं जाते, चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो।